मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पशु परिसर भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पशुओं में पित्त संश्लेषण का स्त्राव कौन से अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत से पित्त के संश्लेषण का स्त्राव होता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? इस नहीं को जरूर देखना, क्योंकि अपन परीक्षा में गच्चा तभी खाते हैं जब इसको नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो पहला है अग्नाशय, दूसरा है पलिया, तीसरा है यकृत, चौथा है सीकम। तो सही उत्तर हो जाएगा पलिया। पलिया तो सही उत्तर हो जाएगा पलिया। आगे अपन बात करते हैं, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जेजुनम। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है जेजुनम। तो जेजुनम आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नर जनन तंत्र में कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षण। वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब में। पशुओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के गर्भाशय की आकृति टी आकार की होती है? टी आकार का गर्भाशय कौन से पशु का होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा घोड़ी। घोड़ी का जो गर्भाशय होता है वो टी आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिरिंकस। सिरिंकस पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कहलाता है, सिरिंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुपिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml रक्त में कितने ml ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में श्वसन में कठिनाई का आना कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिस्पेनिया, यानी कि इसमें पशु का दम घुटने लग जाता है डिस्पेनिया के अंदर, उसको सांस में तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम गर्भाधान में विगलन का तापमान होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपत सिंह ने। और कब किया? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ताव में आने का मुख्य लक्षण क्या होता है पशु के अंदर? तो योनि स्त्राव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, किस पशु में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया था? तो कुतिया के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान का माध्यम है, यानी वीर्य जो है उसका भंडारण करने के लिए उपयुक्त तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की मुख्य विधि है? तो
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, गाय भैंस के अंदर होती है वो होती है रेक्टो वेजाइनल, और वेजाइनल होती है घोड़ी के अंदर। तो गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की मुख्य विधि होती है रेक्टो वेजाइनल। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य की मात्रा का सेचन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं है, इस नहीं को जरूर देखना क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं में ही होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यानी कृत्रिम गर्भाधान का लाभ इसमें से नहीं है, तो उच्च दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ बछड़ा, महंगी विधि, सुलभ विधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महंगी विधि, यह कृत्रिम गर्भाधान का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान साधारणतया अधिक किया जाता है, तो किस पशु में किया जाता है, तो गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान है वो सर्वाधिक किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान साधारणतया अधिक किया जाता है किस में किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा गाय भैंस में सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बकरी में, किस में किया जाता है, बकरी में, वेजाइनल स्पेकुलम विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है बकरी में। अगला क्वेश्चन, वीर्य का पीएच होता है, तो वीर्य का पीएच कितना होता है, वीर्य का पीएच होता है, क्वेश्चन नंबर 21, तो वीर्य का पीएच होता है 6.7 से 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान विधि का निर्धारण निर्धारित आयु है, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करने की निर्धारित आयु कितनी है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष, कितनी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान विधि में सहायक उपकरण नहीं है, इस नहीं को आपको जरूर देखना है क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट होते हैं और जिसमें नहीं का अपन ध्यान नहीं रखते। क्रायोजार एआई गन, क्रायोजार एआई गन भी होता है, प्लास्टिक शीत भी होती है, लेकिन सिरिंज नहीं होती, सिरिंज नहीं होती कृत्रिम गर्भाधान में। क्रायोजार का मुख्य कार्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा वीर्य भंडारण, वीर्य भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम गर्भाधान विधि में वीर्य सेचन का उपयुक्त समय है, तो सही उत्तर हो जाएगा जब पशु ताव में आ जाता है तो उसके 12 से 24 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब अपनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1939 में डॉक्टर संपत सिंह ने अपनाया। IVRI यानी इसका पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। हमारे देश में कृत्रिम गर्भाधान किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कब प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में, कब हुआ था 1956 में। परजीवियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 2, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य परजीवी, एक आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवियों का निवास स्थान होता है यानी पशु की त्वचा की जो सतह होती है उस पर ये वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर की गुहाओं में निवास करने वाला परजीवी कहलाते हैं। तो शरीर के अंदर जो निवास करते हैं वो अंतः परजीवी होते हैं, और जो बाह्य यानी जो त्वचा पर जो परजीवी होते हैं वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपटे कर्मियों का प्रमुख उदाहरण है। तो चपटे कर्मियों का जो प्रमुख उदाहरण है वो हो जाएगा एक तो सिस्टोसोमा नेजलिस और फेसियोला। ये चपटे कर्मी होते हैं जो पशु की इनसे मृत्यु तक भी हो सकती है, तो सिस्टोसोमा नेजलिस और फेसियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का रोग होता है। तो नाक का रोग पशु में होता है सिस्टोसोमा नेजलिसस से। ये परजीवी होते हैं जिससे पशु का नाक का रोग होता है। घोड़ों में मुख्यतः होने वाली बीमारी है तो स्ट्रोग्लाइसिस। घोड़े में जो मुख्यतः बीमारी होती है वो स्ट्रोग्लाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मियों के द्वारा होने वाली बीमारियों का सामान्य लक्षण है। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्मियों के द्वारा होने वाली बीमारियों का सामान्य लक्षण है। तो सही उत्तर हो जाएगा पेट दर्द। पेट दर्द अकाल के समय भी जीवित रह पाते हैं। जो अकाल कितना भी भयंकर पड़े उसके समय भी जीवित रह पाते हैं कठोर चींचड़े। कठोर चींचड़े कुत्तों में लेशानियसिस बीमारी को फैलाती है। तो ये सेंड फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है जो कुत्तों में लेशानियसिस बीमारी को फैलाती है। बुफिलस व हाइलोमा उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है ये? हाई टिक्के यानी कि चींचड़ों के उदाहरण है बुफिलस व हाइलोमा। अगला क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। लीवर फ्लू क्या फेसियोलेसिस बीमारी का कारण है? लीवर फ्लू क्या फेसियोलेसिस बीमारी का कारण होता है? चपटे कर्मी। तिरिवर्षा रोग किस रोग को कहते हैं जो ऊंट में पाया जाता है? सर्रा रोग। तिरिवर्षा रोग बोलते हैं सर्रा रोग को जो ऊंट में पाया जाता है। टीनिया सोलियम नामक फीता कर्मी द्वारा फैलाया जाने वाला अंतः परजीवी रोग है। तो अंतः परजीवी रोग जो टीनिया सोलियम नामक फीता कर्मी द्वारा फैलाया जाता है वो रोग है टीनियासिस। एस्केरियसिस रोग किस प्रकार के कर्मी द्वारा पशुओं में फैलाया जाता है? तो एस्केरियोसिस जो रोग होता है वो गोल कर्मी जो होते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। किस अंतः परजीवी के बछड़े के गुदा मलद्वार के आसपास तीव्र खुजली चलने लगती है जिससे पशु को नींद नहीं आती? तो वो कौन सी ऐसी बीमारी होती है? होती है ऑक्सीयूरियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीसी मक्खी के काटने पर फैलने वाला परजीवी रोग है? तो वो है ट्रिपनोसोमियोसिस। बेबियोसिस रोग निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो वो होता है चिंचड़ किन्नी की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।